सीबीआई ने अब एक और शख्स की तलाश शुरू कर दी। इस शख्स का नाम हाल ही में सामने आया। निशांत राणे ने इनका नाम बताया है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है रोहन राय की, दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड की। कल निशांत राणे ने अपने इंटरव्यू में काफी बार रोहन राय का नाम लिया और कहा कि उसको ढूंढ के निकालो, उसको सच पता है, दिशा की डेथ के पीछे का राज वो जानता है। उसने मुझे बताया था कि वो प्रेशर में है और जो बड़े लोग हैं उन्होंने उसको मुंह बंद रखने के लिए और अंडरग्राउंड होने के लिए कहा है। इन खुलासों के बाद, क्योंकि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में दिशा सालियान के केस को भी बराबर देख रही है, उसकी भी छानबीन कर रही है, तो अब रोहन राय को ढूंढना तैयार हो गया है। रोहन राय कहां कहां गया था, कहां मिल सकता है, इसके बारे में छानबीन शुरू हो गई है और जल्द ही रोहन राय सीबीआई के पास होगा और उससे पूछताछ होगी। दिशा सालियान से रोहन राय शादी करने वाला था, लेकिन उसकी डेथ के बाद रोहन राय ने दिशा सालियान को लेकर कुछ भी बात नहीं कही। 4 से 5 दिनों बाद जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तब भी कुछ नहीं कहा। रोहन रॉय जो कि खुद एक्टर है, वो अचानक से कहां गायब हो गया और क्यों, जब दिशा सालियान के डेथ के बारे में इतनी रूमर्स आ रही है या इतनी बातें आ रही है, इतनी थ्योरीज आ रही है, तो दिशा सालियान के पेरेंट्स ने अपनी तरफ से लेटर दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में रोहन राय ने क्यों ये सारी खबरें या ये सारी रूमर्स, ये सारी हवाओं को क्लियर नहीं किया। रोहन राय की भूमिका काफी संदिग्ध मानी जा रही है और सीबीआई रोहन राय को जल्द ही बुलाकर पूछताछ करेगी।